गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है 5 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ आए हैं। 2-3 दिन से करंट अफेयर के क्लास थोड़ा डिस्टर्ब था कुछ प्रॉब्लम के कारण। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर का रेगुलर क्लास लेके आए हैं, तो आपको इस करंट अफेयर के क्लास से ज़रूर फ़ायदा बुझा रहा होगा, ये मुझे यकीन है। अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा महसूस होता है तो इस करंट अफेयर की क्लास को ज़रूर शेयर किया करें, जिससे बाकी सारे आदमी को भी जो करंट अफेयर का क्लास नहीं कर पाते हैं, आप लोग जानते ही हैं जो करंट अफेयर का लोड क्या है, एग्ज़ामों में बढ़ चुका है, तो सारे आदमी को करंट अफेयर पर पकड़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए थंबनेल बनाने में भी हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं थंबनेल आज नहीं बनाया हूँ। देखिए पहला सवाल है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों मैं आंसर इसलिए नहीं आप स्टिकर के लाया हूँ, जो आपकर आपको इस सवालों का जवाब अगर याद हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सवाल है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप लोग अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसे 2 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार को लगातार 6ठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? अंगदान दोस्तों मतलब अपने शरीर के कोई भी ऑर्गन को दान करने को ही अंगदान किया जाता, अंगदान का किया जाता है। और ये अंगदान से दोस्तों बहुत सारे ऐसे आदमी जिसको कोई आँख से देख नहीं पाता, या किसी का हार्ट खराब रहता है, या किसी का बहुत सारे प्रॉब्लम होते, किडनी खराब रहता है, तो उसको हेल्प मिल जाता है। तो पूछ रहा है सवाल, हाल ही में किस राज्य को लगातार 6ठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित किया गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को ये 6ठा वर्ष है, मतलब ये 6 ईयर से लगातार प्रथम स्थान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बात अगर तमिलनाडु की किया जाए तो हल्दी अनुसंधान संस्था भी यहाँ स्थापना की जाएगी। उसके बाद RBI रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में भी ये शीर्ष स्थान पर है। COVID-19 के बारे में बात करें तो COVID-19 में COVID-ID संदिग्ध वार्ड शुरू किया गया है, ये भी तमिलनाडु में। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ने के बाद तमिलनाडु मछली उत्पादन में भी शीर्ष स्थान अपना कब्जा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके कमेंट में जवाब दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भोपाल। भोपाल में हाल ही में जो है बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है, कुछ दिन पहले ही इसका शुभारंभ किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार के सवाल दोस्तों रेलवे के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक मुफ्त बिजली बिल निपटाना योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में एक मुफ्त बिजली बिल निपटाना योजना कहाँ शुभारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ये गोवा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देव दिवाली महोत्सव में किस शहर को आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था, सॉरी, देव दिवाली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? यहाँ बनारस में, मतलब यहाँ जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी भी प्रेजेंट हुए थे, तो ये दोस्तों बनारसी में किया गया था, बनारस में, और यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने भी आमंत्रित किया गया था और उसने भी वहाँ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? हाल ही में US एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दुनिया का दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बना है, तो वो जो है लाहौर।
पाकिस्तान का लाहौर जो है दुनिया में बहुत ही ख़राब प्रदूषित, मतलब बहुत ही प्रदूषित शहर के रूप में जाना जाता है। इससे बहुत सारे नुकसान हैं दोस्तों। ऐसा नहीं जो हमारे देश में भी बहुत अच्छे हैं शहर। बात अगर दिल्ली की जाए तो ठंड का मौसम आते ही वहाँ एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो आप ब्लेम पाकिस्तान को ही नहीं कर सकते। अगर आप प्रदूषण के मामले में अगर बात करिएगा दोस्तों, प्रदूषण फैलाने वाले कंट्रियों में, तो इसमें चीन सबसे आगे है दोस्तों। चीन जो है प्रदूषण फैलाने में बहुत ज़्यादा आगे, उसके बाद भारत, ठीक है, पाकिस्तान, ये सारी कंट्री, मतलब एशियन कंट्री जो भी है ना, वो प्रदूषण फैलाने में बहुत ही आगे है। और इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि दुनिया को अगर बचा के रखना है तो हमें प्रदूषण जितना कम हो सके उतना कम फैलाने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट इली लेबोटोलोक ज्वालामुखी कहाँ फटा या किस देश में है? हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा है दोस्तों, इस कारण से वहाँ के जो आदमियों लोग को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। वहाँ पर मतलब इस तरह का धुआं और इस तरह से जहरीली धुआं का बमबार हुआ है, जिससे 5 किलोमीटर के अंदर में सारे जगहों को खाली करवाया गया। तो ये कहाँ हुआ है बताइए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये इंडोनेशिया में हुआ है, ये इंडोनेशिया में ये तबाही हो रहा है। और 2020 ही तबाही का ही समय है, जैसे कि अभी COVID-19 ही तबाही मचा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? क्या बोल रहा है सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आप लोग को याद है। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने किया, पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा द्वारे सरकार अभियान शुरू किया गया है। बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है, उसका प्रेजेंट टाइम का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो कि उसका पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। संधाने ऐप टू ट्रक, ये भी आपको पश्चिम बंगाल में है। अगर मातृ सरस्वती योजना, ये भी महाराष्ट्र में। स्नेहर प्रेस योजना, प्रतिष्ठा योजना, ये भी महाराष्ट्र में। सुंदरवन वक्स नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में, सॉरी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपको पता है, जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ अनेकों क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो बाटा कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे, काफ़ी फेमस कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इसमें संदीप कटारिया को बाटा का नया वैश्विक अधिकारी नियुक्त किया गया। संदीप कटारिया, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो संदीप कटारिया जी का नाम जरूर सुने होंगे। चलिए हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय की पहली महिला VS नियुक्त की गई है? हाल ही में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विद्यालय की पहली महिला VS नियुक्त की गई? तो किस विश्वविद्यालय की नियुक्ति की गई भाई? ये जो है आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नियुक्त किया गया है। वाइस चांसलर, VC का मतलब होता है वाइस चांसलर, नियुक्त किया गया संगीता श्रीवास्तव को। ये पहली बार हुआ है जो किसी महिला को वाइस चांसलर नियुक्त किया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ का नया मुख्य
सचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। अमिताभ जैन, इसका राइट आंसर होगा अमिताभ जैन जी को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें, सी घाट ऐप ये भी छत्तीसगढ़ में, पढ़ी तुम्हारी द्वारा ऐप ये भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में है, पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए भी संपंदन अभिक्रिया अभियान जो शुरू किया गया ये भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस राज्य सरकार ने इसको पूरी तरह से एड्स को खत्म करने का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अगर बात मध्य प्रदेश की हो तो कौन जान सकता है, शिवराज सिंह चौहान उस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल, वहाँ अभी कुशल श्रमिक योजना चल रहा है, अभी जीवन शक्ति योजना, ये भी आपको जो मास्क बनाएगी महिला 11 रुपये में, ये भी आप कहाँ मध्य प्रदेश में। टॉप प्रजेंट ऐप फॉर स्टूडेंट ये भी मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिला बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए ये भी। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर ये भी आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है मध्य प्रदेश की बात करें तो बार बार जितनी बार आप जो भी वीडियो देखिएगा मध्य प्रदेश की बात हो ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इको ब्रिज बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों होता क्या है, अगर आपके अगल बगल में अगर NH होगा, कोई भी NH होगा, हमारे बगल में अभी जो मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ वहाँ NH 57 है। ये देखिए मैंने एक मैप बनाया, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये ब्रिज है, अब ये मतलब इधर से गाड़ी जा रहा है सीधा, और ये जो है मतलब जानवर जो टपने के वक्त में बहुत सारे जानवर डेथ हो जाते थे, मर जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, लेकिन अब इस पर एक ब्रिज बनाया दिया गया है, इको ब्रिज, जिस पर मतलब जंगल की तरह ही माहौल लगा दिया गया है और वो उस पर आसानी से पार हो जाता, आसानी से पार हो जाता, और ये बहुत ही अच्छा है। तो ये कहाँ का सरकार ने बनाने की घोषणा की, ये बना भी दिया, सॉरी बनाने की घोषणा नहीं, ये बना भी दिया गया है। ये जो है आपको उत्तराखंड की सरकार ने, और ये बहुत ही अच्छा योजना, सराहनीय योजना, इस पर तारीफ होनी चाहिए उत्तराखंड सरकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का GDP दोस्तों, जैसा कि पता है कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो अभी हमारी GDP माइनस में ही जा रही है, तो क्या अनुमान है? ये अनुमान लगाया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से, और केंद्र बिंदु भारत हमेशा ही रहता है, तो ये अनुमान जो है -9.9% तक लगाया जा रहा है हमारा GDP का अनुमान। अभी पूरी दुनिया का हालत ख़राब है, तो इस पर ज़्यादा बात ना करें तो बेटर है, ठीक है। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया? 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है अर्जुन मुंडा जी ने इसकी घोषणा की है, ठीक है, इसका शुभारंभ किया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसको जरूर टिक आउट कीजिए, आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सूर्याधर झील का लोकार्पण किया है? तो राजस्थान सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर, शेयर एंड कमेंट तो जरूर किया करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।